नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे भोजन करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही ध्यान करने पर हमारी आत्मा, हमारे मस्तिष्क और विचारों को ऊर्जा मिलती है। ध्यान करने से पहले वाली एक वीडियो है, जो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उससे ध्यान को समझने में काफी मदद मिल जाएगी। एक स्टडी में 30 लोगों का एक ग्रुप चुना गया जो मेडिटेशन करना चाहते थे। इन लोगों को 5 हफ्ते तक एक मेडिटेशन कैंप में रखा गया, जहां 5 घंटे रोज ध्यान कराया जाता था और साथ में टेस्ट भी लिए जाते थे। 5 हफ्ते के बाद पाया कि इन लोगों में टेस्ट को सॉल्व करने की स्पीड तो नहीं बढ़ी, पर नोट करने वाली बात यह थी कि इनकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी थी। रिसर्चर्स कहते हैं कि टेस्ट को जानबूझकर बोरिंग बनाया गया था। ध्यान के कारण इनका अटेंशन लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये बोरिंग टेस्ट में भी ध्यान लगा पाए, कंसंट्रेट कर पाए। मेडिटेशन केवल ज्ञान और शांति की वृद्धि ही नहीं करता, बल्कि आपको लंबे समय तक अटेंशन बनाए रखने में मदद करता है, आपकी चंचलता को कम करता है। वैसे तो आप कोई भी मेडिटेशन पद्धति चुन लीजिए, सब फायदा करती है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके प्रीफ्रंटल और पैरिटल दोनों ही लोब की कसरत होती है। यह दिमाग के दो हिस्से होते हैं। प्रीफ्रंटल आगे वाला हिस्सा होता है, जहां पर आज्ञा चक्र माना जाता है, और पैरिटल लोब पूरे शरीर की चलने वाली गतिविधियों को निर्धारित करता है। कंसंट्रेशन के लिए यही दोनों हिस्से जिम्मेदार होते हैं। आपको हर दिन 5 घंटे ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन 20 मिनट का ध्यान करना है, बस इतना ही करना है, और आप जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान की 3 सरल विधियों पर हम चर्चा करेंगे, जिन्हें कोई भी कर सकता है। हम बहुत आसान ध्यान बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब ध्यान के बारे में कोई बात होती है तो सबसे सरल विधि, जिसे मैं मानता हूँ, वह है गाइडेड मेडिटेशन। सामने वाले के बोले अनुसार आपको करना है। गाइडेड मेडिटेशन के अंदर सबसे आसान होता है योग निद्रा, क्योंकि इसके लिए आपको ना तो बैठना है और ना खड़े होना है, ना ही कोई आसन सिद्ध करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेट जाना है और जैसा सामने वाला बोलता है उसे फॉलो करना है। इस तरह से आप ध्यान का पूरा आनंद उठा पाएंगे। अगर आप सो गए तो आपको नींद का लाभ मिलता है। दोनों तरह से आप इसमें फायदे में रहते हैं। योग निद्रा के बड़े फायदे हैं, जैसे तनाव मुक्ति, सेल्फ हिप्नोसिस, अनिद्रा से छुटकारा और आध्यात्मिक उन्नति तो खास तौर पर मिलती है। अवचेतन मन की आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, जिससे सारा दिन एनर्जेटिक बना रहता है। यह अवस्था सोने और जागने के बीच की अवस्था होती है, जिसमें आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। इसमें ध्यान कहीं और न जाकर आपके अंदर ही रहता है, इसलिए यह बहुत ही सरल ध्यान पद्धति है। दूसरी मेडिटेशन पद्धति है जिसे समत कहा जाता है, यह बौद्ध पद्धति है। समत काफी वास्ट है, इसका एक छोटे से पार्ट के हम बात करेंगे। आप अपनी मनचाही स्थिति में बैठ जाएं और बैठने के बाद आपको किसी छोटी चीज पर ध्यान लगाना है, ऐसी चीज पर ध्यान लगाना है जो बह रही हो। उसमें सबसे अच्छा होता है आपकी सांसें। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाक से बहती हुई हवा फेफड़ों तक जाती है, जिसको आपको नथुने यानी नाक के आगे वाले हिस्से पर महसूस करना है, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, उसे भी आपको अपनी नाक के आगे वाले हिस्से पर महसूस करना है। कुछ समय, लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप ध्यान लगा पाएंगे, और इसके बाद आपका ध्यान इधर उधर भाग जाएगा। आपको बस जब याद आ जाए तब उसे पकड़ कर ले आना है और अपनी सांसों को चलते हुए देखना है। इस तरह से आप 3 मिनट से शुरू करके 20 मिनट तक इसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहें तो बहते हुए पानी को भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हवा में बैठकर शरीर पर पड़ने वाली हवा को महसूस कर सकते हैं। यह भी ध्यान की आसान पद्धति है, परंतु मेरे हिसाब से सांसों पर ध्यान करना सबसे अच्छा होता है। जब भी मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसमें मुझे अटेंशन की ज़रूरत हो, तो मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। इससे मुझे एकाग्रता में काफ़ी मदद मिलती है। अगली ध्यान की प्रक्रिया है मंत्र। योग में कंसंट्रेशन को धारणा कहते हैं। हर सभ्यता के अनुसार कुछ पवित्र आवाजें होती हैं, जिनको बोलने और सुनने पर आपके अंदर स्थिरता आती है। ये आवाजें वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में जाती हैं, जिससे लोगों की इनर यानी आंतरिक शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। मंत्र व उसके प्रकार पर हमने कई वीडियो बनाई है।
हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। मंत्र आपका ध्यान नहीं भटकने देते, उससे निकलने वाली ऊर्जा आपके मस्तिष्क और आपके शरीर दोनों को अलाइन करती है। बीज मंत्रों के बारे में आप जानते होंगे। संस्कृत में बहुत सारे मंत्र हैं, जिनमें सबसे छोटा मंत्र है ओम। ओम एक तरह का बीज मंत्र है। यह तीन अक्षरों से मिलकर बना है, ओ, उ और म। इसी तरह दूसरा शब्द है सोहम, यह भी तीन अक्षरों से मिलकर बना है। ऐसे ही एक और चमत्कारी शब्द है जिसे राम के नाम से जानते हैं, यानी राम नाम। इन मंत्रों से ध्यान करने का सबसे सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ मंत्र सिद्ध करने की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ध्यान के बारे में, जिसको करने से एकाग्रता उत्पन्न होती है। यदि आप ओम चुनते हैं तो जब आप सांस लें बोले ओ और जब छोड़ें तो म, यानी इसे दो टुकड़ों में बांट लेना है, सांस लेने वाला टुकड़ा और सांस छोड़ने वाला। जब आप सांस लें तो बोलना है ओ और जब छोड़ें तो म, इस तरह से आपको बोलना है। परंतु यह आपको मानसिक जप करना है, मुंह से नहीं बोलना है। इसी तरह सोहम, जब आप सांस लें और जब छोड़ें, अगर आप राम चुनते हैं तो तब भी आपको यही करना है, सांस लेते समय रा और छोड़ते समय म। मात्र 5 मिनट 21 दिन करके देखिए, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक और खास बात दोस्तों, जब भी आप ध्यान में बैठें और किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको घेर लें, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन अगर ये हमेशा हो या फिर आप जब ध्यान में बैठें तो आपको डर लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी योग्य गुरु को ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।